तो चलिए आज हम लोग चलते हैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान। ये गोमती नगर में स्थित है और यहाँ मिलेंगे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से। आज 13 तारीख है, 13 मार्च 2024, और माननीय राजनाथ सिंह का कार्यक्रम है। चलिए आप अपना इंडक्टेबल गुरु अमिताभ बघेल, साथ में हैं हेमंत सिंह चौहान जो भी बछरावा से आए हैं, उनको भी माननीय के कार्यक्रम में ले चलते हैं। चलिए हेमंत सिंह चौहान के एक साथ, और अंदर मिलेंगे पार्षद जी से, बड़े भाई सुदय सिंह जयशंकर वार्ड के पार्षद माननीय सुदय सिंह जी और उनकी टीम से। और जैसा कि राजनाथ सिंह आ गए हैं, चलिए उनका भाषण का अवलोकन करते हैं और फिर और जो प्रोग्राम होगा वो उसमें चलेंगे। जय जय श्री राम। महानगर अध्यक्ष श्री आनंद जी द्विवेदी, सदस्य विधान परिषद श्री मुकेश जी शर्मा, सदस्य विधान परिषद श्री रामचंद्र जी प्रधान, सदस्य विधान परिषद श्रीमान लाल जी निर्मल, सदस्य विधान परिषद श्रीमान उमेश जी द्विवेदी, और हमारे लखनऊ उत्तर के लोकप्रिय विधायक श्री नीरज जी वोरा, और हमारे बक्सी तालाब के लोकप्रिय विधायक श्री योगेश जी शुक्ल, त्रिलोक सिंह अधिकारी और प्रमुख सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश श्री सुभाष चंद्र जी शर्मा, श्री अनिल जी पाटिल, निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता श्री सूर्यपाल गंगवार, जिलाधिकारी लखनऊ श्री अजय जैन, CDO लखनऊ आदरण दिवाकर जी त्रिपाठी और अंकिता दायवा, और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाई, जिन लोगों को आज जो सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, जिनको आज सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं, उन सबको मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहनों भाइयों, यह मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, वैसे हमारे भारत सरकार के मंत्री वीरेंद्र जी का भी आग्रह था, सामाजिक न्याय और अधिकारिता के जो मंत्री हैं उनका भी आग्रह था, और प्रधानमंत्री कार्यालय भी ये चाहता था कि मैं आज आप सबके बीच यहाँ पर उपस्थित रहूँ। तो हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मुझे उपस्थित रहने का यह अवसर प्राप्त हुआ है, और आप सबके स्नेह के कारण ही, आप सबके प्यार और मोहब्बत के कारण ही आज भारत की संसद में मैं बैठा हूँ, और देश की सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी विशेष रूप से मेरे कंधों के ऊपर है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान से गरीबी समाप्त होनी चाहिए। गरीब गरीब होता है, वो चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी पंथ का हो, तो किसी मजहब का हो, और साथ ही पिछड़ापन भी इस देश का समाप्त होना चाहिए। और यह कहते हुए उन्होंने एक वाक्य कहा था कि हमारी सरकार जो बनी है, यह सरकार इस हिंदुस्तान के गरीबों और पिछड़ों के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। और 10 वर्षों के अंदर आपने देखा होगा, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए, जवानों के लिए, इसके साथ साथ महिलाओं के सम्मान की चिंता किस हद तक हमारी सरकार ने की। आज चले जाइए, अब शायद ही ऐसे कोई घर मिले जहां पर लोग की झुग्गी झोपड़ी में रहे। मुझे याद है कि जिस समय हम लोग भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी में काम करते थे, तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे कल्याण सिंह जी, तो वह कहते थे गांव गरीब किसान झुग्गी झोपड़ी का इंसान, बेरोजगार नौजवान। आज मैं देश के लगभग सभी राज्यों में मुझे जाने का अवसर मिलता है, मैं देखता हूं कि शायद ही अब कहीं झुग्गी झोपड़ी बची हुई हो, सबके पास पक्के आवास बनते जा रहे हैं, और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि जिनके पास आज पक्के आवास नहीं है, मेरे बहनों भाइयों, पूरी तरह से आप आश्वस्त रहना, जिनके पास पक्के आवास नहीं है उनके पक्के आवास आगामी 5 वर्षों के अंदर ही बंद कर रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं।
हमारी सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि देश के गरीबों को भी देश की मुख्य धारा में लाकर हमको खड़ा करना है। जैसे समाज के सभी वर्गों को लोग भारत का मस्तक ऊंचा करने के लिए अपना अपना योगदान दे रहे हैं, जिनको गरीब कहा जाता है, जिनको वंचित कहा जाता है, वो भी प्रभावी तरीके से अपना योगदान दे सकें, उनके अंदर यह सामर्थ्य पैदा हो। अब जैसा कि कार्यक्रम समापन की हो रहे हैं और कई लोगों को घर के चाबी वगैरह दी गई है और कुछ लोगों को और स्वास्थ्य लाभ 5 लाख का बीमा दिया गया है और कई सारी योजनाओं के बारे में परिचय करा के और लोगों को अवगत करा के उनको श्रमिक लोगों को प्रोत्साहन रूप 5 लाख किसी को घर किसी को अन्य योजनाओं में भिन्न भिन्न प्रांत के सौगात दी गई हैं। और यह है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का जुपिटर लॉन, जुपिटर जो कि जुपिटर हॉल है वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है। चलिए माननीय जी का प्रोग्राम अब समापन की ओर है, चलते हैं बाहर की तरफ और फिर और मैं प्रोग्राम में शामिल होंगे। चार सौ पार